Hello, dear students. Today we are going to deal with another topic of your lesson, heredity and evolution. That is evolution. Evolution क्या है? आपने पहले भी सुना होगा जो evolution, ये बहुत मशहूर topic है evolution. Actually अगर हम definition इसकी बताएंगे, definition क्या है? The gradual changes taking place in living organisms, giving rise to new organisms due to changes in their genetic composition. इसका ये मतलब है कि living organisms के अंदर changes आ जाती हैं over millions of years. ये कोई एक simple process नहीं है, इसमें time कम नहीं लगता है, बल्कि millions of years लगते हैं, over millions of years. तो ये gradual changes आ जाती है over millions of years in living organisms, and they ultimately give rise to new organism, जो फिर last में नए organism को जन्म देती हैं या नया organism बनता है from the previous one. और ये क्यों होता है? Due to changes in their genetic composition, उनके genes में changes आ जाती है, genes में mutation आ जाती है, genes में mistakes, DNA में mistakes हो जाती है, जिनको आप mutation बोलते हैं. और वो mutations जो है raw material for evolution होती है. और ये नए living organism जो है दुनिया में लाते हैं या दुनिया में आते हैं due to this evolution. ये जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट पहले डार्विन ने दिया है, चार्ल्स डार्विन, जिसका लाइफ पीरियड 1809 और 1882 तक था. तो ये इंग्लिश एक नेचुरलिस्ट था या साइंटिस्ट था जिसने ये एवोल्यूशन का आइडिया पहले प्रपोज किया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उस के हिसाब से, और एक बुक पब्लिश की है 1859 में जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. और ये बुक पब्लिश इसलिए उसने की, वो एक समंदरी सफ़र पर चला गया है जो है एक नाव में, एक कश्ती में, एक शिप में वो समंदरी सफ़र पर चला गया. और उसने, क्योंकि वो नेचुरलिस्ट था, उसने बहुत सारी जगहों का दौरा किया, वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को कलेक्ट किया, उनके मुख्तलिफ हिस्सों को कलेक्ट करता रहा और जो है कंटिन्यूसली उनको स्टडी करता रहा. फिर 1850, ये एक्चुअली इसका वॉयेज जो था, जो समंदरी सफ़र था, वो 1831 से 1836 तक चलता रहा. फिर उसके बाद फिर से 1840s में फिर से उसने दूसरी बार शिप में जो है वो वॉयेज पे चला गया, समंदरी सफ़र पर चला गया. और फिर लास्ट में 1859 में उसने एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो एवोल्यूशन की एक जो है पहली बुक मानी जाती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उसने एक अहम आइडिया दिया है कि नए लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आते हैं. और वो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आते हैं, उसने एक थ्योरी प्रपोज की कि एवोल्यूशन कैसे होता है. उसने बताया, ही प्रपोज ए थ्योरी कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. उसने बताया कि एवोल्यूशन जो आता है, नए नए स्पीशीज दुनिया में आते हैं, नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं. तो वो जो है कैसे बनते हैं, उसने एक थ्योरी बताई जिसको उसने बताया नेचुरल सिलेक्शन. दैट मीन्स जो एनवायरमेंट है वो नए नए स्पीशीज को, नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करके जो है एनवायरमेंट अहम रोल निभाता है फॉर द एवोल्यूशन. तो ये डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था, उसमें उसने ये बहुत कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है. अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे, उसमें बहुत चीज़ उसने देखे हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में, कि एक ऑर्गेनिज्म को कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा. और जब वो रिप्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो है वो जन्म देते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन फिर कैपेसिटी रहती है, बहुत कम जिंदा रहते हैं. दैट मीन्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत जिंदा रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जो चीज़ है या ऐसी कोई एनवायरमेंट के ख़िलाफ़, या एनवायरमेंट उनको सिलेक्ट नहीं करता है, बल्कि कुछ खास लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है, और जिनमें वो
खासियत है, जिनमें वो करेक्टर है, जिनमें वो ट्रेट प्रेजेंट रहता है, तो जो उस एनवायरमेंट में जिंदा रह सके। और नेक्स्ट क्या है, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में प्रेजेंट रहते हैं उनमें अडाप्टेशंस रहती हैं, जिनमें अडाप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट आ जाएंगे वो कंटिन्यू रहेंगे, उनके वो रेसेस वो अपनी रेस आगे बढ़ाएंगे, जिनमें अडाप्टेशंस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट नहीं है वो अपनी रेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एक और अहम पॉइंट है जो स्पिंसर ने बताया है, दैट इज फिट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा एनवायरनमेंट में। तो वो पॉइंट एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन में एक खास पॉइंट था कि नेचर जो एनवायरनमेंट है यही सिलेक्ट करता है, यही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने में, एवोल्यूशन करवाने में एक अहम रोल अदा करता है। फिर उसके बाद ये जो ये नेचुरल सिलेक्शन है, आज के ज़माने में भी इस नेचुरल सिलेक्शन का जो अपना वैल्यू है वो कायम है, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ये अहम रोल अदा करती है एवोल्यूशन में। तो ये एवोल्यूशन की जो ये बात हो रही है, इसमें करेक्टर्स जो है अहम रोल अदा करते हैं। ये करेक्टर्स दो किस्म के होते हैं, या ट्रेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दो किस्म के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट। वो इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या है, वो करेक्टर जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन्स के या डीएनए में कंट्रोल रहता है, उसका कंट्रोल डीएनए में रहता है। दैट मीन्स द करेक्टर विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट। तो या इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट होता है जो पास होता है फ्रॉम वन ऑफ स्प्रिंग टू अनदर, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। मैं एक एग्जाम्पल बताऊँगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रेट जो है, अगर हाइट की हम बात करेंगे, हाइट जो है वो जेनेटिक ट्रेट है, वो जीन्स कंट्रोल करते हैं।